आना है मम्मा पाँच। मम्मी लाइट बंद कर दो। मम्मा पास आना है, बाबू के मम्मा के पास आना है। हाँ लाइट बंद करने जा रहे हैं। बाय बाय कर लो, बाय कर लो जल्दी। बाय बाय करो, जाए हमसे घर जाए। आओ मत, हम ऊपर धुलाई करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोना के आंगन में। दोस्तों सुबह हो चुकी है और आज है संडे। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अभी संडे है आज और मैं आ गई हूँ छत की धुलाई करने। बहुत लोगों की शिकायत थी कि आप ब्लॉग डेली क्यों नहीं डाल रही हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली ऐसा है ना कि कभी कभी कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी हो जाती है कि जो आपका मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं होती है। तो उस स्थिति में ऐसा कुछ अच्छा करने का मन भी नहीं करता है। और वैसे भी अब मैं आप लोगों से धीरे धीरे जुड़ रही हूँ, तो जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे जुड़ता जाता है लोगों से, उसी तो अपना सुख दुख से बांटता जाता है। तो कोशिश करूँगी कि अब मैं आपके साथ वो हर सुख दुख अपने जीवन का बांट पाऊँ। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो ये सब समस्याएँ चल रही थी जिसकी वजह से मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। फ़िलहाल कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे डेली देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कहाँ जा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे इतना, मतलब मेरा ब्लॉग नहीं आता है तो बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं तो मुझे मतलब अंदर से फील होता है कि नहीं कितना प्यार करने वाले लोग हैं मुझको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ज़्यादा बात ना करते हुए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और मैं आ गई हूँ छत पे, छत पे मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब यहाँ धुलाई करनी है। क्योंकि संडे ही संडे मैं ये काम कर पाती हूँ, छत की धुलाई संडे ही संडे कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जाना रहता है, जल्दी रहती है। इस वजह से मैं ऊपर अगर करने लगूँगी तो लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, तो इस वजह से मैं संडे ही धुलाई करती हूँ। झाड़ू वगैरह तो मम्मी लगा देती हैं पर डे, बट धुलाई मैं संडे ही करती हूँ। और शाम को भी आते आते टाइम हो जाता है, 6:15 मुझे बच जाता है आते आते स्कूल से। तो क्योंकि जो मेरा स्कूल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में, मुझे आने ही में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे जाने में, मतलब मेरा 3-4 घंटा तो मेरा मतलब ट्रैवलिंग में जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स नीचे मैंने साफ़ सफाई सब कर ही दी थी कमरे की, और झाड़ू पोछा कर दिया था नीचे, और अब मैं यहाँ छत पे लगा रही हूँ। झाड़ू लगा दी थी मैंने और अब धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हवा बहुत चल रही है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो साफ़ कर देती हूँ तो पार्थ को शाम को खेलने के लिए ठीक रहता है। यहाँ पर इसका क्या करोगे इसका क्या करोगे भाई, क्या कर रहे हो? इसका पानी साफ कर रहे हो? मम्मी देखो, हम कपड़े ऊपर छत के ऊपर फैलाने गए थे, देखो यहाँ क्या कर रहे हैं। वाइपर लेके पानी गिर गया ना, तो वाइपर लेके जो है ना उससे साफ करने जा रहे हैं। हाँ वो देख लो क्या कर रहे हैं दादू, दादू मार क्या कर रहे हैं, साफ करो, लगाओ इसको साफ करो। खड़े पानी पड़ा है ना उसी को साफ करो, ऐसे खड़े पकड़ो, बड़े को पकड़ो, लगाओ खड़े हो जाओ। नहीं भैया अभी तुम ये काम ना करो, अभी हमी को करने दो, हम कपड़े ऊपर फैलाने चले गए, देखे यहाँ ये कर रहे थे वाइपर उठा के। चलो आ जाओ पार्ट, चलो लगाने दो पार। ए बाबू बस हो गया मेरे लल्ला। तो फ्रेंड्स छत की धुलाई करने के बाद मैं कपड़े धोने लगी थी, एक्चुअली कंबल था तो उसको धोने लगी थी, तो
और मम्मी अंदर पकौड़ी बनाने लगी थी कि नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अभी काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो नाश्ते में मम्मी पकौड़ी बना रही है और ये पार्थ वहाँ बाहर निकल के वाइपर लेके वो पानी साफ कर रहे हैं, देखता है ना उन लोगों को, तो वही ये कर रहे हैं। चलो आ जाओ पार्थ, आ जाओ बाबू, आ जाओ लल्ला, ये अपने भी सारे कपड़े गीले कर लेंगे मम्मी। चलिए फ्रेंड्स, अभी कंबल एक और धोना है, एक धो के मैं डाल आई हूँ पार्थ वाला, और अभी जो ओढ़ने वाला एक कंबल है वो और धोना। कंबल धोने के टाइम मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और कपड़े थोड़े बहुत धो के मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं पी लूँगी चाय और उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि पोछा मैंने सुबह लगा दिया था लेकिन दोबारा फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि काम कर रही थी तो काफ़ी गंदा हो गया है, पानी जगह जगह हो गया है। अंदर मत लेके आओ, ये देखिए अंदर लेके आ रहा है, ये पूरा तो परेशान करता रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ चाय मम्मी लेकर आ चुकी हैं, और ये आप देख रहे हैं ये गुड़ की चाय है, और मम्मी ने अपने लिए छानी ली थी, और मम्मी ने यहाँ बनाई है तीन तरह की पकौड़ियाँ, आलू की पकौड़ी और गोभी की, और टमाटर काट कर उसकी पकौड़ी बनाई है। यहाँ पार्थ भी बड़े मज़े से खा रहे हैं, बहुत टेस्टी बनी थी पकौड़ियाँ। पार्थ, ओ मेरा बच्चा लल्ला भैया, क्या कर रहे हो, निंदू करने जा रहे हो, निंदू करने जा रहे हो, ओढ़ नहीं पा रहे। बाबू तुम निंदू कर रहे हो, मेरा बच्चा निंदू निंदू करने जा रहा है, निंदू करने जा रहे हो, ओढ़ रहे हो, ओढ़ नहीं पा रहे मम्मी। हाँ लेटो, ले ओढ़ो, लेटो, हाँ ओढ़ लेट लेट जाओ, उठाओ ना, जब खाना आना बन जाए तब हम उठा ले। मम्मी चलो अब जहाँ कोई नहीं करेगा चाय मेरी। हमारे लल्ला सो गए का, निंदु निंदु कर रहे हैं का। हमारा बेटा कहाँ निंदु कर रहे हैं है? अरे हमारा बेटा कहाँ निंदु कर रहे हैं, गुस्से जा रहा है, बेटा का जैसे बेटा आगे को उछाल मारी इसकी मम्मी। रात में यही एक्टिंग है लेटने की, आई से लेटेगा आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये। बाबू अरे मेरा बच्चा तो निंदु निंदु कर ले, इसे सो गया मेरा बच्चा, लाओ हम उठा लेते हैं। ये नौटंकी कर रहा है कि रियल में सो रहा है, ये देख अपने बच्चे ड्रामा कर रहे इतनी देर से। पास बाबू, बाबू पकौड़ी कैसी लगी, पकौड़ी पकौड़ी कैसी लगी, टेस्टी थी, टेस्टी बता दू, पकौड़ी टेस्टी थी बताओ, टेस्टी 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 खा के बताओ टेस्टी है। नहीं नहीं ऐसे काटो, कट्टू कर, ऐसे कट्टू करो, कट्टू करो, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स चाय वाय तो हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ कंबल धोने, कंबल धोने के बाद में बाथरूम साफ करना है, फिर नहाना है, तो नहाने के बाद लंच बनाने के टाइम आप लोगों से मिलते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका था, और उसके बाद मैंने कंबल धुला, मम्मी ने पार्ट को सिलाया उतनी देर, और उसके बाद पार्ट को सिलाने के बाद मम्मी ऊपर गेहूँ फैलाने चली गई थी, तो मम्मी गेहूँ फैला आएंगे, देखा अभी देखने गई थी, थोड़ा सूख भी गया है वो, और अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने, मैंने भी नहा लिया है और मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो लंच पे मैं बना रही हूँ अरहर की और मूंग की, छिलके वाली मूंग की दाल, और ये मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं हल्दी डालूँगी और नमक और थोड़ा सा एक चम्मच घी डालूँगी और चढ़ा दूँगी दाल पकने के लिए, क्योंकि दाल चावल ही बनेगा लंच में। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ दाल मैंने चढ़ा दी है, इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और एक चम्मच घी डाल देंगे।
अभी कुकर बंद करके मैंने दाल पकने के लिए रख दी है, दाल पक जाएगी फिर चावल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स खाना हमारा बन चुका है और यहाँ अब मैं मम्मी की प्लेट लगा दूँगी। वैसे मैं हर संडे को सोचती हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ, बट आज कुछ ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि आज बहुत सारा काम था, तो इस वजह से लंच में दाल चावल ही बना है। शाम को देखते हैं दाल बच जाएगी, क्योंकि दाल मैंने ज़्यादा बना ली है तो रोटी वगैरह सेंक लूँगी या कुछ कोई और सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की प्लेट लगा दी है और मैं अपनी प्लेट लेकर सब लोग लंच कर लेंगे। उज्जवल सो रहे हैं। पार्थ पार्थ खाना अच्छा है, दाल चावल टेस्टी बना है, बता दो टेस्टी है, टेस्टी है, बता दो। वाव। तो यहाँ हम लोगों का लंच तो हो रहा है, उज्जवल स्कूल से आने के तुरंत बाद सो गए थे। ब्लॉग का भी फ्रेंड्स मैं यहीं एंड कर दूंगी, क्योंकि अगर वीडियो फुल वीडियो बनाऊंगी तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।